नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की जानकारी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपके घर में मधुमक्खी छत्ता बना लेती है, मधुमक्खी अपने बच्चों को जन्म देती है, मधुमक्खी अपने अंडे देती है, तो प्रिय दर्शकों, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है, इसका क्या असर आपके और आपके परिवार पर पड़ता है। प्रिय दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम ना चाहते हुए भी मधुमक्खी न जाने कहां से आकर हमारे घर में छत्ता बना लेती है और उसी में रहने लगती है, उसी में अपने अंडे भी देती है और समय रहते अपने बच्चों को जन्म भी देती है। और फिर इसका हम और हमारे घर परिवार या फिर हमारे बच्चों पर कितना गहरा असर पड़ता है, ये असर शुभ होता है या अशुभ होता है, इन सभी बातों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रिय दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दोस्तों, कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दोस्तों, हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी बातें बताते हैं, ये पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले मधुमक्खी की एक छोटी सी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। इस कहानी को बड़े ध्यान से और चित लगा कर सुनिएगा। प्रिय दोस्तों, इस बात को तो आप सभी जानते होंगे कि मधुमक्खी एक समूह बना कर रहती है, ढेर सारी मधुमक्खी इकट्ठा रहती है, और मधुमक्खी की जो प्रजाति होती है ये अपनी समाज के लोगों से बहुत इंतहा प्रेम करती है, यानी कि मधुमक्खी एक दूसरी मधुमक्खी से बहुत प्रेम करती है, जी जान से चाहती है, कभी इनमें झगड़ा नहीं होता, कभी इनमें तूतू में नहीं होती, सभी मधुमक्खी हिल मिलकर बड़े प्रेम से एक ही छत्ते पर निवास करती हैं। दोस्तों, ये नजारा आप सभी ने देखा होगा। प्रिय दोस्तों, मधुमक्खी के अलावा इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी में झगड़ा होता है, इस बात को भी आपने देखा होगा। झगड़ा कभी कभी तो इतना होता है कि एक दूसरे के प्राण तक ले लिए जाते हैं, लेकिन मधुमक्खी में ऐसा नहीं होता। ढेर सारी मधुमक्खी हिल मिलकर एक साथ निवास करती हैं, एक घर में एक छत पर निवास करती हैं। इसी तरह प्रिय दर्शकों, एक राजा था, उस राजा के महल में बहुत विशाल मधुमक्खी का छत्ता आ जाता है और वो मधुमक्खी उस राजा के महल में अपना छत्ता बना लेती है। मधुमक्खी वहां पर रहने लगती हैं, दिन भर बहुत सारी मधुमक्खियां छत्ते से उड़ान भरती, इधर उधर खेतों में जाती और रस लेकर के वापिस शाम के वक्त अपने छत्ते पर आ जाती। इसी तरह सभी मधुमक्खियां उस राजा के महल में निवास करने लगी। प्रिय दोस्तों, जब मधुमक्खी उस राजा के महल में आई थी, तब राजा के पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत अच्छा था, राजा के 3 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी, नौकर चाकर थे, यानी कि या यूं कहे राजा के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। उस राजा के राज्य में सभी प्रजा सुख और चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रिय दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजा के धीरे धीरे बर्बादी का वक्त शुरू हो जाता है। दोस्तों, उधर आक्रमणकारी राजा पर आक्रमण करते, राजा की सीमा पर आक्रमण करते, इस तरह धीरे धीरे राजा का राज्य ध्वस्त होता गया। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है कि राजा का राजपाट सबको चला जाता है और राजा राजमहल को छोड़कर
जंगलों में निवास करने लगता है, क्योंकि आक्रमणकारियों ने राजा की राजपाट सब कुछ छीन लिया था। अब राजा खाली हाथ हो जाता है। आक्रमणकारियों के युद्ध में राजा के पुत्र भी मारे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा बिल्कुल निर्धन, असहाय और कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अब राजा जंगलों में भटकता रहता है, लेकिन राजा की सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। प्रिय दोस्तों, धीरे धीरे भटकता हुआ राजा एक संत के पास पहुंचता है, एक साधु के पास पहुंचता है और उस साधु को प्रणाम करता है और अपनी संपूर्ण घटना उस साधु को सुनाता है। दोस्तों, तब वो साधु राजा से कहने लगता है कि राजा साहब, तुम अपने ऐशो आराम में इतने अंधे हो गए, तुम्हें ये भी पता नहीं रहा कि तुम्हारे महल में मधुमक्खी का निवास हो गया है, और जहाँ पर मधुमक्खी का निवास होता है, मधुमक्खी जिस घर में अपने बच्चों को जन्म देती है, अपने अंडों को जन्म देती है, जिस स्थान पर मधुमक्खियाँ रहती हैं, वो स्थान उजड़ हो जाता है। उस स्थान पर रहने वाले लोग तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तब राजा को अकस्मात वो याद आती है। राजा सोचने लगता है कि मधुमक्खी ने मेरे महल में छत्ता बनाया था और उसी के प्रभाव से, उसी के कारण आज मेरी ये दुर्गति हो गई है। प्रिय दर्शकों, तब राजा उस साधु से कहता है कि महाराज, अब मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपना राज्य को वापिस ले सकूं। दोस्तों, उसके बाद वो साधु उस राजा को उपाय बताता है। साधु कहता है कि राजन, यदि आप रोज सुबह चींटियों को दाना डालते हैं, चींटियों के बिल पर दाना डालते हैं, चींटियों की सेवा करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो चींटियां एक ऐसा प्राणी होती हैं जो आपके भाग्य बदल देती हैं, आपके भाग्य में आपका साथ देती हैं। प्रिय दोस्तों, साधु के बताए अनुसार अब वो राजा इस क्रम को शुरू करता है, तो धीरे धीरे उस राजा का भाग्य उदय होने लगता है और राजा फिर से अपनी सेना तैयार करता है। सेना तैयार करके और फिर से आक्रमणकारियों पर आक्रमण करता है और उनसे फिर से अपना राजपाट को वापिस पाता है। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले राजपाट को लेते ही राजा राजमहल और अपने संपूर्ण राज्य में जितने भी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, सभी को वहां से अटवा देते हैं, उड़वा देते हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है, या मधुमक्खी होती है, या मधुमक्खी अंडे देती है, या मधुमक्खी अपने बच्चों को जन्म देती है, वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मधुमक्खी का घर में होना बहुत अशुभ होता है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि मधुमक्खी उजाड़ जाती है, ये नहीं चाहती कि इसके आसपास कोई भी जीव जंतु निवास करे, कोई भी मनुष्य निवास करे। प्रिय दोस्तों, वैसे तो शुभ और अशुभ मान्यता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि घर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता होता है तो ये एक तरह से बहुत अशुभ संकेत देने वाला होता है, और सबसे बड़ी बात, आपके मकान के आसपास होने पर भी ये बहुत अशुभ संकेत देता है। लेकिन यदि आपके घर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपके मकान की सीमा के अंदर, मकान की चार दीवारी के अंदर यदि मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो दोस्तों सतर्क हो जाइए, आज से ही उसे उड़ा दीजिए या उसे हटा दीजिए। ये आपको कंगाल बना सकता है, भिखारी बना सकता है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मधुमक्खी के छत्ते को अपने घर से हटवा दीजिए। प्रिय दोस्तों, आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपको बता दें कि ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप मधुमक्खी के छत्ते को हटा सकते हैं। इसके लिए यदि आप कोई उपाय चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के हजारों लाखों उपाय आपको मिल जाएंगे। प्रिय दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि मधुमक्खी का घर में होना बहुत अशुभ संकेत देता है। दोस्तों, दूसरा, ये छोटा सा जीव बहुत जहरीला होता है, यदि हटाते समय, यदि मधुमक्खी को उड़ाते समय या हटाते समय ये आपको डंक लगा दे, तो प्रिय दर्शको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता बहुत बड़ा साइड इफेक्ट लेकर आता है।
शरीर में पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और कभी कभी बार तो जिस व्यक्ति को ज्यादा साइड इफेक्ट होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए मधुमक्खी को हटाने से पहले अपनी सुरक्षा और सेफ्टी जरूर करें, और यदि गलती से मधुमक्खी आपको डंक लगा देती है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो यह समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।